विज्ञापन के लिए मॉडलिंग करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप ऐसे विज्ञापन की मॉडलिंग कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी दे रहा है तो आप जेल जा सकते हैं। इस संबंध में सरकार ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन में काम करने और प्रमोशन करने वाली मशहूर हस्तियों के लिए एक बड़ी खबर। अब सेलिब्रिटीज को अपने एडवर्टीजमेंट संभल कर चुनने होंगे, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी गलत या भ्रमित करने वाले विज्ञापनों में काम करता है तो उन्हें 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मंगलवार को संसद में पास हुए न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक इसके लिए 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और 1 साल तक उनको किसी भी एडवर्टीजमेंट में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई सेलिब्रिटी इस गलती को दोहराता है तो उसे 50 लाख तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा हो सकती है और 3 साल तक सेलिब्रिटीज को किसी भी एडवर्टीजमेंट में काम करने के लिए रोका जा सकता है। इस नए बिल के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कंज्यूमर राइट्स को सुरक्षित करने और प्रमोट करने का काम करेगी। यदि कोई इन राइट्स का उल्लंघन करता है तो उनकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा जो इसी अथॉरिटी के अंतर्गत होगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेसल कमीशंस को स्थापित किया जाएगा। कंज्यूमर्स यहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। भारत में विज्ञापन उद्योग काफी बड़ा है और 2019 के अंत तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 69,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे टीवी, फिल्म और रेडियो के कलाकार काफी पैसे कमाते हैं। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।